हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनवरी महीने का असाइनमेंट का आंसर। ओके, तो चलिए देखते हैं कि जनवरी महीने में आपको क्या असाइनमेंट दिए गए थे और उसके क्या आंसर हैं, क्या प्रश्न मिले हैं। ओके, तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डाली जाए तो उसकी लेटेस्ट अपडेट आप मिल सके। ओके, और साथ ही एक इन्फॉर्मेशन हम आपको और देना चाहते हैं कि 2021 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम ब्लूप्रिंट पर आधारित मॉडल क्वेश्चंस की तैयारी कराने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी हम वीडियो डालें जो ब्लूप्रिंट पर आधारित जो मॉडल सेट होंगे तो उसकी नोटिफिकेशन वो आप तक पहुँच जाए और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या आपको प्रश्न दिए गए हैं असाइनमेंट में। पहला प्रश्न है, स्वच्छता अभियान अथवा गांव नहीं रहे गांव विषय पर एक फीचर तैयार कीजिए। ठीक है, तो इस पर एक फीचर तैयार करना है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, देख सकते हैं लिखा हुआ है कि स्वच्छता अभियान के तहत विद्यालय में सफाई अभियान चलाया गया। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विद्यालय की साफ सफाई के साथ साथ ही आसपास के गांवों एवं गांव में भी सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने का संदेश दिया। ठीक है, बाकी यहां से आप आंसर को नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है आपके पास कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, आपको काव्यांश को पढ़ना है, उसके बाद जो प्रश्न है पहला प्रश्न बन जाता है, इसमें दिया हुआ है कि इस काव्यांश के कवि तथा कविता का नाम लिखना है, इसका आंसर आप यहाँ से लिख लिए। दूसरा इसी में है कि चांद के टुकड़े का प्रयोग किसके लिए हुआ है और क्यों। ठीक, आगे भी जो प्रश्न है उसको आप लिख कर इसके उत्तर को लिखें। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, ये नेक्स्ट अब प्रश्न तीसरा है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस कथन का भाव पल्लवनकर लिखना है आपको। तो इसके आंसर आप यहाँ से देखिए क्या होता है इसमें कि सुनी सुनी बातों पर बिना जांचे परखे विश्वास कर लेना और फिर अक्सर धोखा खा जाना और उसके बाद पछताना मानव स्वभाव का एक अंग है। कई बार ऐसा भी होता है कि कहीं दूर से सुनाई दे रही रोने धोने की आवाज़ को सुनकर मनुष्य कह उठता है जैसे कहीं पर गीत संगीत का कोई बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर जब पता चलता है कि वहाँ तो लोग किसी की मृत्यु पर या फिर घर द्वार जल जाने पर रो रहे हैं तो वह लज्जित होकर रह जाता है। तब उसे कहने को विवश हो जाना पड़ता है कि दूर के ढोल सुहावने लगा करते हैं। ठीक है, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि तब ध्यान आता है कि जिस स्वर को ढोल की आवाज़ समझकर भाग आया वह तो पूरा विलाप निकला। स्पष्ट है कि हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती, अतः अच्छी प्रकार की जांच परख कर कार्य करने वाला व्यक्ति ही लाभ पाता है और अपने कार्य में सफलता का अधिकारी बनता है। ये इसका उत्तर हो गया। देखिए प्रश्न चौथा दिया है, गुम होता बचपन अथवा जीवन है या तनाव पर एक आलेख तैयार कर लिखें। तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं यहाँ से, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। और अंतिम प्रश्न देखिए, आदर्श निबंध की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कितनी 8 विशेषताओं को लिखना है। तो ये आपके पास पॉइंट वाइज है तो आप इसको लिख सकते हैं, और इसका अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाकी सभी वीडियो के आपको लिंक मिल जाएंगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार
चेक कर लें। ओके ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।